नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। रोज की तरह हम आज भी अपनी फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी लेकर हाजिर हैं। रोज की तरह हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी जी, लेकिन रोज की तरह आज दहंत इसे होस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उत्तराखंड गए हैं ग्लेशियर गिरने से आई आपदा को कवर करने के वास्ते। नमस्कार अंशुमन जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दर्पण, आपका स्वागत है। सिद्धांत शुक्रिया। उत्तराखंड की त्रासदी कवर करने गए हैं। उस हादसे के जो ताजे अपडेट हैं वो थोड़े संतोषजनक हैं कि चीज़ें नियंत्रण में आ रही हैं, लेकिन इधर हमारे पास खर्चा पानी में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिससे आपका हमारा लोगों के आम लोगों के खर्चे पानी पर, उनके जीवन और जेब पर आने वाले समय में गहरा असर पड़ेगा। जी अंशुमन जी, जो मंडे का खर्चा पानी होता है वो इस महीने में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि उसमें हम लोग वीकेंड में आई खबरें भी कवर करते हैं। तो पिछले दिनों में और आज मिला के जो खबरें आई है, सबसे पहले पेट्रोल को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर, एलपीजी को लेकर और साथ ही साथ केरोसिन, जो कि सबसे मतलब निम्न वर्ग जो है भारत का वो यूज करता है, उनको लेकर बड़ी, जिसे कहते हैं, बुरी खबरें फिनेंस से रिलेटेड आई हुई हैं। जैसे कि पेट्रोल के दाम अगले 2 सालों तक उम्मीद कर रहे हैं हेज फंड पूरे दुनिया भर में कि बढ़ते रहेंगे। वहीं एलपीजी को लेकर जो सब्सिडी कम की गई थी, या अगले कुछ समय में एलपीजी के दाम भी बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ केरोसिन को लेकर ये कहा गया है, ये खबरें आ रही हैं कि हर फोर्थ नाइटली, यानी कि हर 15-15 दिन बाद, जैसे धीरे धीरे करके सरकार सब्सिडी कम कर रही है, उसके रेट भी बिना सब्सिडी वाले रेट की तरह हो जाएंगे। तो इससे हमको क्या निकल के आती है चीजें? दर्पण खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों में हमने बजट से जुड़ी हुई कई चीजों पर चर्चा की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो लोगों की नजर से निकल गई और जो हमारे जीवन पर या हमारे बजट पर सीधा असर करेंगी, वो सारी की सारी खबरें संयोग से या दुर्योग से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन, यानी हमारे फ्यूल से और ईंधन से जुड़ी हुई हैं। और 3-4 चीजें जो छनकर बजट से बाहर निकल कर आई और कुछ अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां, उन्हें मिलाकर हम इस पूरे पैकेज को समग्र रूप में देखते हैं और 3 हमारे सामने बड़ी सुर्खियां निकल कर आती हैं जिन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज ये कि सरकार ने ये कहा कि वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लगा रही है बजट में, लेकिन उसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं होगा, पर पेट्रोल डीजल की कीमतें उसके बाद बढ़ गई बाजार में, जो कि सामान्य टैक्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने के की संभावना से जुड़ी हुई थी। दूसरी चीज, उसके साथ एलपीजी की कीमत भी बढ़ाई गई। जो 3 सुर्खियां हमारे पास है वो ये है कि आने वाले समय में पूरे साल एलपीजी का सिलेंडर, जो नॉन कॉमर्स, जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है, वो लगातार महंगा होता रहेगा, इसकी भूमिका इस बजट ने तैयार कर दी है, पहली सुर्खी। दूसरी सुर्खी ये कि सरकार धीमे धीमे केरोसिन पर सब्सिडी खत्म करने की तरफ बढ़ गई है जी। उसके लिए एक प्लान शुरू किया गया बजट में, एक छोटी सी केरोसिन की कीमत में बढ़ोतरी भी की गई जो कि लोगों के नोटिस में नहीं आई। उस बढ़ोतरी के साथ केरोसिन को सब्सिडी से लगभग बाहर करने की बात की जा रही है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना और आसार बनने लगे हैं। इन तीनों को एक साथ समझते हैं। पहले समझते हैं एलपीजी का। एलपीजी पर सरकार ने इस बार बजट में सब्सिडी को 12,995 करोड़ रुपए लगभग घटा दिया। अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बजट से देखने की कोशिश करूं, 12,995 करोड़ रुपए सब्सिडी का घटा दिया इस बार बजट में, और इस बात का संकेत है दर्पण कि सरकार अब नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमतों पर कोई रियायत देने की स्थिति में नहीं होगी आने वाले समय में, और यह बड़ी कटौती थी पेट्रोलियम सब्सिडी में। और इससे एक संकेत भी मिलता है कि सब्सिडी के ढांचे में पुनर्गठन की प्रक्रिया गुपचुप ढंग से शुरू हो गई है जी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फिनांस कमीशन ने जो अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दी थी, उसमें उसने सिफारिश की थी कि अगर उज्ज्वला स्कीम को लंबे समय तक चलाए रखना है तो उसका सब्सिडी का बर्डन काफी बड़ा होने वाला है, और इसकी भरपाई के लिए उसे बाकी जो नॉन सब्सिडाइज पेट्रोलियम सिलेंडर्स हैं, एलपीजी सिलेंडर्स हैं, उन पर सब्सिडी में कमी करनी होगी। सरकार ने वो सिफारिश मान ली, इसकी घोषणा बजट में नहीं की गई, पर बजट के दस्तावेजों से छनकर निकलता है। तो इसलिए आने वाले समय में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, आपकी गाड़ी में पड़ने वाला ईंधन ही महंगा नहीं होगा, आपका रसोई का ईंधन भी महंगा होता चला जाएगा। तो अपने बजट में इसका इंतजाम रखिएगा कि धीमे धीमे एलपीजी की कीमतें बढ़ती रहेंगी और आपको उसकी कीमत, उसकी जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है उसकी कीमत का बोझ आपको उठाना पड़ेगा। कम से कम बजट ये बता रहा है कि अब सरकार पिछले साल जितना पैसा एलपीजी की सब्सिडी पर देने वाली नहीं है, करीब 13,000 करोड़ रुपए की उसमें कटौती हो गई है। आगे सर, पेट्रोल और उस पे बढ़ने से पहले, केरोसिन में बढ़ने से पहले, मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है
कि सब्सिडी तो कम हो ही रही है एलपीजी को लेकर स्पेसिफिकली, क्या नॉन सब्सिडाइज जो रेट्स हैं क्या उनके भी बढ़ने की संभावना है भविष्य में? मतलब ऑब्वियसली अभी तो कहा नहीं जा सकता है भविष्य को लेकर, लेकिन किस तरीके का रिपोर्ट छन के आ रही है, क्या जानकारी है इसको लेकर हमारी? ये भी संभावना है दर्पण, क्योंकि जैसे कि हम अगले चरण में बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी का जो आसार बन रहे हैं उसका असर सारे पेट्रोलियम फ्यूल्स पर पड़ेगा। तो एक तो सब्सिडी कम होगी, दूसरा जो सामान्य लागत है भारत में एलपीजी की वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो उसी रेशियो में उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, और कच्चे तेल से निकलने वाले बाकी पेट्रोल हो व डीजल हो, नेप्था हो, एटीएफ हो, और भी जो तमाम ईंधन निकलते हैं या एलपीजी है वो उससे निकलते हैं, तो उनकी उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। केरोसिन का एक दिलचस्प किस्सा है, और केरोसिन केरोसिन का इस बार बजट में सरकार ने धीमी सी छोटी सी बढ़ोतरी केरोसिन में की, जिस पर बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन इसके साथ ही एक तरह से ये स्पष्ट हो गया कि केरोसिन को अब सब्सिडी से बाहर कर दिया जाएगा, जिसको कि गरीबों का ईंधन किसी जमाने में कहा जाता था। स्वाभाविक सी बात है कि केरोसिन पर सब्सिडी बनाए रखने का कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकार सस्ते उज्ज्वला सिलेंडर दे रही है लोगों को तो फिर केरोसिन पर सब्सिडी देना देना तर्कसंगत नहीं था, और केरोसिन का इस्तेमाल बहुत और दूसरी चीजों में मिलावट के तौर पर भी होता है। तो क्रमशः सरकार ने केरोसिन की सब्सिडी को वैसे कर केरोसिन की सब्सिडी को पिछले साल फरवरी में ही खत्म करने की घोषणा कर दी गई थी, और तब उस समय से लेकर तब तक लगभग 4 सालों में केरोसिन की कीमत करीब करीब 23 रुपए पर लीटर के हिसाब तक बढ़ चुकी है, जो कि काफी काफी बड़ी है। लेकिन इसके बाद भी इस बजट में सरकार ने यह तय किया है कि केरोसिन पर एक छोटी सी बढ़ोतरी के साथ इसकी सब्सिडी खत्म की जाएगी। तो पेट्रोलियम सब्सिडी का यह दूसरा बड़ा जो हिस्सा है वो भी पेट्रोलियम उत्पादों का, वो भी इस सब्सिडी के दायरे से बाहर होता जा रहा है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात और सबसे अंशुमन जी, तीसरी बात में जाने से पहले मैं ये केरोसिन के बारे में एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि केरोसिन का विकल्प उपलब्ध है उज्ज्वला योजना के, जो कि साफ दिखता है, लेकिन क्या हमें डेटा बताते हैं कि वहां पर लोग शिफ्ट कर गए हैं या जो गरीब तबका है मतलब वो उज्ज्वला योजना में या अन्य विकल्पों में शिफ्ट कर गया है, और ये केरोसिन बढ़ाना इस वक्त ठीक है, भविष्य में धीरे धीरे बढ़ाना ठीक है, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे बढ़ना या 23 रुपए पिछले साल में बढ़ जाना ये उचित है एक गरीब के जेब के हिसाब से और खर्चा पानी के हमारे दर्शकों के हिसाब से? दर्पण ये सवाल अच्छा है, क्योंकि ये फैसला भी इस आधार पर लिया गया है, मेरे पास पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल का डेटा है जो ये बता रहा है कि अप्रैल दिसंबर 2020 में केरोसिन का कंजम्पशन जो है वो 28% कम हुआ, उसमें डीग्रोथ दिखाई दी, और केरोसिन की खपत में धीमे धीमे गिरावट आ रही है क्योंकि लोग दूसरे ईंधन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा सरकार के आंकड़े बताते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार खाना बनाने के केवल एक ही ईंधन पर सब्सिडी दे सकती है, आर्थिक रूप से तर्क सही नहीं है कि आप सारे ईंधनों पर सब्सिडी दें। तो सरकार धीमे धीमे ये शिफ्ट दिख रहा है भारत की पेट्रोलियम सब्सिडी पॉलिसी में, वो ये है कि उज्ज्वला को टॉप सबसे बड़ी स्कीम बनाकर रखा जाए, और उसके तहत जो दिए जा रहे सिलेंडर है सुविधाएं उनको सब्सिडाइज रखा जाए, और बाकी जो ईंधन के हिस्से हैं उनको सब्सिडी से बाहर कर दिया जाए, और इसलिए केरोसिन का यह फैसला उसी श्रेणी में है। अब हम तीसरी चीज पर चलते हैं जो 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 हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है, और वो खबर ये है कि दुनिया भर के हेज फंड्स के पास काफी पैसा, हेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं किसी भी एसेट में, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, दुनिया भर के अभी हेज फंड्स के बारे में केवल एक लाइन बताना चाहूंगा, अभी हेज फंड्स जो थे काफी सुर्खियों में रहे थे अंशुमन जी, गेम सॉफ्ट वाला जो प्रकरण हुआ था, जी, लेकिन वो हमारे मुद्दे से बाहर है क्योंकि वो बहुत वैश्विक था, केवल ये जानना चाह रहा था। तो दुनिया भर के हेज फंड्स ने पेट्रोल की कीमतों पर को हेज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और पेट्रोल के प्राइसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पिछले खर्चा पानी में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस समय संदर्भ के तौर पर हम इसे दोबारा वापस लाना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के लगातार बढ़ते जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, और इसके पीछे दो बड़ी वजह है, एक तो जो ओपेक देश है उनके समझौते के तहत वे अपने उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे, दूसरी चीज जैसे जैसे दुनिया मंदी से उभरना शुरू करेगी, वैक्सीन लोगों तक पहुंचना शुरू करेगी, कच्चे तेल की मांग बढ़ना शुरू होगी, और
कच्चे तेल की मांग बढ़ने का एक सबूत हमको एक दूसरी एसेट में दिखाई देता है जो कि सोना है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे जैसे कच्चे तेल की मांगें दुनिया की कीमत दुनिया के बाजार में ऊपर जाती है, सोने की कीमत गिरती है। आज 50,000 से कम था, इसलिए सोने की कीमत में आप अगर आप दोनों चार्ट एक साथ रख के देखने की कोशिश करें तो जैसे जैसे कच्चे तेल का ग्राफ ऊपर जाता है सोने का ग्राफ नीचे आता है। तो गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं, कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो आमतौर पर निवेशकों के लिहाज से ये एक दिलचस्प घटनाक्रम है, और जो कच्चे तेल की कीमतों में या उसके फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए तो एक अच्छी खबर है। पर भारत जैसे देश जो बड़े पैमाने पर कच्चे आयातित कच्चे तेल पर निर्भर हैं, उनके लिए इस मंदी में अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जो हमें टारगेट्स मिल रहे हैं, जो हमें रेंज मिल रहा है कच्चे तेल की कीमतों का, वो 60-65 तक का है। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए कुल, हमारे खर्चा पानी और हमारे बजट के लिए इन तीनों खबरों का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है या जो इसका एब्सोल्यूट है, वो ये कि एक, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती जाएंगी, तो सरकार इस पर टैक्स घटाने की परिस्थिति में नहीं है, यानी इस पर टैक्स लगे हुए हैं, तो इसकी वजह यह है कि भारत में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ती जाएंगी। और अब जो एक ईंधन जिस पर सरकार सब्सिडी देती थी, जो एलपीजी नाम का ईंधन था, उस पर भी इस बजट ने सब्सिडी का कट कर दिया है। इसलिए अब पेट्रोल डीजल और एलपीजी की तीनों की कीमतें एक साथ बढ़ेंगी, क्योंकि उस पर टैक्स भी है और उसका जो कच्चा माल है, कच्चा तेल है, उसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो यदि आप अपनी जेब की व्यवस्था करना चाहते हैं, अपने बजट का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने खर्चा पानी का ध्यान रखना चाहते हैं, तो इन तीनों चीजों पर ध्यान रखिए, क्योंकि इनकी कीमतों का असर आपकी जेब पर नकारात्मक हो सकता है। अंशुमन जी, आज हम दूसरा जो मेन मुद्दा लेंगे वो है हमारा कर्ज पुनर्गठन की एक स्कीम लेके आई थी RBI, जिसमें कई लगा था कि काफी सफल रहेगी, बहुत हद तक सफल रही है, लेकिन अभी इसमें डेटा आया है तो इतना कम डेट रिस्ट्रक्चरिंग का डेटा क्यों आया है और क्या इसके पीछे वजह रह सकती है, अगर विस्तार पूर्वक आप बता पाए हमें। ये भी एक दिलचस्प घटनाक्रम है जो लोगों की नजर से छूट गया, और हम इससे भी कुछ महत्वपूर्ण संकेत भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के बारे में और अपने जेब और बजट के बारे में ले सकते हैं। हमें याद होगा कि जब पिछले साल सरकार ने कोविड मॉरिटोरियम दिया था 6 महीने का, और एक कहा था कि जो कोविड के शिकार लोग हैं वो अपने बैंकों पर जाकर अपने कर्ज की का भुगतान 6 महीने के लिए टाल सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी मांग उठी और ये कहा गया कि ये मॉरिटोरियम बढ़ाया जाए, तो बैंकों ने वो मॉरिटोरियम नहीं बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा भी चला जिसके ऊपर काफी चर्चा के दौरान हुई। उसके बाद सरकार ने केवी कामत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक फार्मूला तय करके बैंकों को सौंपा, जिसके तहत ये इजाजत दी गई कि जो लोग अपने लोन को पुनर्गठन कराना चाहते हैं, जब लोन पुनर्गठन करने की बात होती है तो उसका अर्थ होता है कि या तो आप उसका प्रिंसिपल बाद देर से पे करना चाहते हैं या उसका इंटरेस्ट देर से पे करना चाहते हैं। ये समझौता बैंक और बारोअर के बीच में होता है, उसका एक फार्मूला तय किया था केवी कामत कमेटी ने। उन्होंने उन क्षेत्रों की सूची जारी की थी जो जिनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस था, यानी कोविड की मंदी का, लॉकडाउन का सबसे बुरा असर जिन क्षेत्रों पर पड़ा था, उनकी सूची जारी की थी और कुछ नियम तय किए थे कि कैसे वो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग होगी। और वो भारत में आधिकारिक रूप से सबसे बड़ी लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तौर पर सामने आई थी, जो इससे पहले नहीं देखी गई थी। उसके आंकड़े हमारे सामने आए और उसके आंकड़े हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन की रिकास्ट पर बैंक सहमत हुए हैं भारत में, 1,00,000 करोड़ रुपए के लोन अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन जो अपेक्षा थी इस स्कीम की उससे काफी कम है। ये माना जा रहा था कि भारत में 2-3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए सामने आ सकते हैं, यानी लोग इतने ज्यादा कोविड से प्रभावित हैं कि वो सामने आकर लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे। प्रथम दृष्टया काफी अच्छी खबर लगती है। हाँ, पहले दृष्टि में ये बहुत अच्छी खबर लगती है कि ज्यादा लोग बैंकों के सामने लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं आए। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि लोगों की रिपेमेंट कैपेसिटी थी, इसलिए उन्होंने लोन रिपे करना बेहतर समझा बजाय रिस्ट्रक्चरिंग कराने के। पर इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि बैंकों ने इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को बहुत सख्त रखा, और जो केवी कामत कमेटी ने जो शर्तें तय की थी उस शर्तों के हिसाब से बहुत से लोग ऐसे थे जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा लेने की स्थिति में नहीं थे। यानी मॉरिटोरियम तो ब्लैंकेट था, सबके लिए था, आप एक SMS के जरिए, एक ईमेल के जरिए मॉरिटोरियम ले सकते थे, लेकिन जब आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाते तो बैंक ने एक पूरी शर्त तय की, आपको दिखाना पड़ता कि आप की पिछली बारोइंग क्या है, आपके बिजनेस का फ्यूचर मॉडल क्या है, क्या वो बिजनेस फ्यूचर में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा।
यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि सरकार ने और रेगुलेटर ने बहुत समझदारी के साथ ये जो कर्ज के फोर बियरेंस की आदत पड़ी हुई थी कि संकट आया और आपने कर्ज की माफी ले ली उसे रोकने की कोशिश की इस स्कीम के जरिए। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे इस तरफ इशारा भी करता है और वो ये भी कहता है कि भारत में ये जो कर्ज का भुगतान टालने की आदतें हैं बिल्कुल तरह से खत्म हो जानी चाहिए चाहिए चाहिए, इससे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो सही समय पर इंटरवेंशन आया लॉकडाउन के बाद और एक कमेटी बनाकर सरकार रिजर्व बैंक ने जो नियम तय किए उसका नतीजा ये हुआ कि बैंकों के खाते में उतना कीचड़ है, उतना बैड डेट नहीं आया है जितना बैड डेट आने की संभावना थी। यानी जो बहुत ही डिजर्विंग लोन थे जिन पर बैंकों को ये भरोसा था कि इनकी रिकवरी हो सकती है उन्हीं को रिस्ट्रक्चर किया गया। तो ये बैंकों की साइड से बहुत अच्छी खबर है और इसलिए फिर हम वापस आपको लौटते हैं कि पिछले बजट आने के बाद भारत में के शेयर बाजार में बैंकों के शेयरों में जैसे जैसे आकर्षण का केंद्र बने बैंक निफ्टी का की अगर हाइट और फ्लाइट आप देखिए तो हमको लगता है कि पिछले कई सालों में हमने बैंकिंग शेयरों में इतनी खरीद नहीं देखी। अगर आप इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, तो बैंकों के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं है। उनका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, उनके लिए बैड बैंक बनने जा रहा है और अब जितना उनको कर्ज रिस्ट्रक्चर करना था उसका बहुत कम कर्ज उनको रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, उनकी बैलेंस शीट और बेहतर स्थिति में रहेंगी। तो कुल मिलाकर बैंकों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है, पर दूसरी तरफ इसका जो बाकी दूसरा पहलू हम देखें जो कि उद्योग की तरफ से है, जो कर्ज लेने वालों की तरफ से है या जो छोटे कर्जदारों की तरफ से, उन पर इस नियम की इतनी शर्तें लगाई गई कि वो इस विंडो का इस रियायत का उतना लाभ नहीं ले सके। और शायद यही बात है कि इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि मंदी खत्म होने के बाद भी भारत में बैंक्रप्टसीज या कंपनियों का दिवालिया होना जारी रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे ने यह बात का इशारा किया है कि मंदी का जो निचला विस्तार है यानी जो थ्रॉटल के आसपास विस्तार है वो बराबर बना रहेगा। इसका अर्थ यह है कि बैंकों के लिहाज से ये पूरी प्रक्रिया अच्छी है, पर जिन लोगों का बिजनेस बैठ गया इस कारोबार लॉकडाउन में खत्म हो गया और अगर उनको किसी भी तरह से बैंकों में लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं मिला क्योंकि वो इन शर्तों का पालन नहीं कर सके तो उनके के बिजनेस बैंकक्रप्ट होने की स्थिति में होंगे, दिवालिया होने की स्थिति में होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसलिए आज एक चलते चलते और खबर आई जिस खबर पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे कि सरकार ने संकेत दिया है कि वो जो बैंकक्रप्सी कानून में छूट थी कोविड लॉकडाउन से उसे आगे बढ़ाने नहीं जा रही है। यानी जो जो बैंकक्रप्सी लॉ है और जो बैंकक्रप्सी कोर्ट है या बैंकक्रप्सी अथॉरिटी है उसके काम का संचालन जल्दी सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगे। तो अब अर्थव्यवस्था कभी भी बाइनरी नहीं होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, हमेशा ग्रे होती है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और हमारी आदतें हमेशा इधर बाइनरी देखने की होती है, अच्छा या बुरा। पर अर्थव्यवस्था में कुछ भी सबके लिए अच्छा नहीं होता और कुछ भी बुरा नहीं होता। तो आप इस खबर को देखिए, यह खबर बैंकों के लिए बहुत अच्छी है, बैंक स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी है, बैंकों की बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये खबर उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है जो जिनके काम धंधे कारोबार इस मंदी के दौरान बंद हो गए और वो बैंकों के की रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के में शामिल भी नहीं हो सके, उन्हें उसका लाभ भी नहीं मिल सका क्योंकि वो बैंकों की वो सख्त शर्तें पूरी नहीं करते थे। ये आज के खर्चा पानी की दूसरी खबर का सार। तो ये आप कह रहे थे कि जो अब एनसीएलटी वगैरह का कार्यक्रम है वो अब फिर से सही तरीके से शुरू हो जाएगा, जो एक्सटेंशन दिया हुआ था कोविड के चलते उसके बारे में हम बात करेंगे, बताया आपने, तो उसके बारे में अगर आप अंत में बता सकें। सरकार ने कोविड के दौरान तय किया था कि बैंकक्रप्सी एक्टिविटीज रोक दी जाएंगी क्योंकि मास बैंकक्रप्सी थी, बहुत बड़े पैमाने पर लोग दिवालिया हो रहे थे, तो बैंकक्रप्सी कोर्ट की और एनसीएलटी के कामकाज को रोक दिया गया था और कंपनियों को छूट दी गई थी कि बैंक केसेस लेकर उस अदालत में नहीं जा सकते थे और कंपनियां उसको अप्रोच नहीं कर सकती थी। लेकिन अब चीजें सामान्य होने की स्थिति में सरकार ने संकेत दिया है कि शायद बैंकक्रप्सी कानून के तहत जो प्रक्रियाएं वो शुरू हो जाएंगी, तो बहुत सारे केसेस जो बैंकक्रप्सी कोर्ट में फंसे हुए थे कोविड से पहले वो शायद सक्रियता की तरफ जाएंगे। बड़ी जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन ये है कि सरकार आज भी बैंकों के बारे में कई खबरें आई और लगातार हम खर्चा पानी में आपको बताते रहेंगे क्योंकि बैंकों के क्षेत्र में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, रेगुलेशन के स्तर से, आरबीआई के स्तर से, बैड बैंक के स्तर से, सरकार के स्तर से। कल परसों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बॉम्बे में भी बैंकिंग के बारे में कई सारी 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 बातें, महत्वपूर्ण बातें कही। ये सारी गतिविधियां एक इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बैंकों के निजीकरण और बैंकों के विनिवेश से पहले सरकार पूरी कोशिश में है कि जो भी जिस तरीके की भी इंटरनल ढांचे ठीक किए जाने हैं वो सही कर लिया जाए ताकि बैंकों को सही वैल्यूएशन मिल सके। और इन सारी चीजों को आपको एक समूह में जोड़कर देखना पड़ेगा, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी, बैड बैंक का फैसला,
मर्जर मेरे ख्याल से लोन, हाँ लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में बहुत कम कर्जों को रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलना, बैंकों में थोड़ा सा रिकैपिटलाइजेशन का पैसा डाला जाना। इससे पहले आरबीआई का ये कहना कि भारत में 4 ही 5 बड़े बैंक हैं जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी का ये कहना कि भारत में हर बैंक निजीकरण के योग्य है। तो ये पूरा जो चक्र है, ये जो पैदल के अलग अलग टुकड़े हैं, इनको अगर आप जोड़कर देखें तो आपके सामने पूरी तस्वीर दिखाई देती है कि अगला साल बैंकों के लिहाज से खबरों से बेहद भरपूर रहने वाला है। बहुत सारी गतिविधियां बैंकिंग सेक्टर में होंगी, निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट और बैंक और प्राइवेट और सरकारी दोनों बैंकों के क्षेत्र में बैड बैंक, इस पर हमारी निगाह बराबर बनी रहेगी। मेरा अंतिम सवाल है अंशुमन जी कि मर्जर भी क्या एक उसका स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि कई जगह खबरें आ रही हैं कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा वो बैंक हो सकते हैं जिनका जिनका प्राइवेटाइजेशन संभव है। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे बैंक हो सकते हैं, और क्या मर्जर के वक्त से ही ये शुरू हो गया था इस तरीके से करना? देखिए, मर्जर उसका पहला चरण था जब सरकार ने पहले छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज किया, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं निकला, क्योंकि छोटे बैंक अपनी अपने एनपीए अपना कीचड़ लेकर बड़े बैंकों में चले गए और बड़ा बैंक और ज्यादा समस्या में आ गया। अब अगर हम सरकार के अधिकृत बयानों पर विश्वास करें तो जो वित्तीय सेवाओं के सचिव हैं, उन्होंने बजट के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक बैंक, भारत का प्रत्येक सरकारी बैंक निजीकरण के योग्य है। एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनेगी जो डिसाइड करेगी कि किस बैंक का पहले निजीकरण किया जाना है। 3 बैंकों के बारे में नीति आयोग पहले सिफारिश कर चुका है कि 3 बैंकों का निजीकरण कर देना चाहिए। 2 बैंक जिनका आप नाम ले रहे हैं, बीएनबी, बीओबी और पीएनबी का, वो चर्चा में है। अब अभी जब सूची हमारे सामने आएगी तो हम समझ पाएंगे कि किन बैंकों का निजीकरण या किन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन पहले स्तर पर होगा। लेकिन तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। तैयारियां इसलिए तेजी से शुरू हो गई हैं क्योंकि सरकार को लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में चीजें साफ करने का ये सही वक्त है, क्योंकि अगर बैड बैंक बन जाता है, लेकिन क्रम क्या होगा? क्रम शायद ये होगा कि पहले बैड बैंक बनेगा। अच्छा, फिर बैड बैंक में जो बैंकों के पास एसेट है, जो एनपीएस है, वो ट्रांसफर होंगे। उसके बाद उन बैंकों की बैलेंस शीट साफ सुथरी होगी। फिर उसके बाद उनके प्राइवेटाइजेशन या उनके वैल्यूएशन तय होंगे, जिसके आधार पर उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। प्रक्रिया लंबी है, टीडीएस भी है। ये काम कब तक होगा, नवंबर तक होगा, दिसंबर तक होगा, ये हमें देखना होगा, लेकिन शायद क्रम यही होने वाला है। शुक्रिया अंशुमन जी। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। जैसा शुरू में प्रॉमिस किया था कि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये शो कैसा लगा। कोई और सवाल हो तो वो भी पूछिए। शुक्रिया अंशुमन जी, धन्यवाद।